तो युद्ध के बीच ये बेहद अच्छी तस्वीर है, उस उम्मीद के पूरा होने की, उस भरोसे के पूरा होने की जो इन छात्रों के साथ किया गया था कि इनकी वतन वापसी होगी, जिसकी कोशिश लगातार भारत सरकार की तरफ से पूरी होती हुई अब नजर आ रही है। इसी बीच में एक और बड़ी खबर है, खारकीव के सबसे बड़े रिहायशी इलाके में भारी बमबारी हुई है। खारकीव के साल्पिका इलाके में रूस का बड़ा हमला, जहां साल्पिका के कई अपार्टमेंट पर रूसी बम कैसे गिरे हैं और उसके बाद तबाही मची है, दहशत नजर आई है तस्वीरों में। इस वक्त आप देखिए खारकीव प्रशासन ने लोगों के लिए इस बीच में अलर्ट भी जारी कर दिया है कि घरों को छोड़कर लोग फौरन सुरक्षित जगहों पर और जो बंकर हैं वहां पर पहुंचे ताकि खुद को सुरक्षित रख पाए, क्योंकि लगातार अटैक हो रहा है और यहां जोरदार बमबारी खारकीव के अलग अलग इलाकों में हो रही है। रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है, जो बड़े नुकसान का सबब बनी हुई है। ऐसे में लोगों को बंकर में जाने के लिए कहा जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। तस्वीरें तबाही की इस वक्त आपके सामने। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।